इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। क्या आप सोच सकते हैं कि गुजरात में मौजूद ये जगह करीब 5000 साल पहले एक विशाल बंदरगाह हुआ करती थी? इतना ही नहीं, इसे भारत का पहला बंदरगाह और दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक माना जाता था। अहमदाबाद से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लोथल, जो एक समय सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था। आज के पाकिस्तान में मौजूद हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में हर कोई जानता है, मगर दिलचस्प बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के कई स्थल राजस्थान और गुजरात में भी मौजूद हैं। गुजरात में फैले कई ऐसे जगहों में से एक है लोथल, जो आज एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। लोथल नाम इस जगह के स्थानीय नाम से आया है, जिसका गुजराती में मतलब है माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला। खास बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध शहर मोहनजोदारो का सिंधी में मतलब भी यही है। माना जाता है कि लोथल 3700 साल पुराना है और अब तक खोजा गया सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह शहर है। यहाँ भी कई ऐसी विशेषताएं देखी जा सकती हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के कस्बों और शहरों को दुनिया के अन्य जगहों से अलग करती है। जैसे शहर को दो खंडों में विभाजित करना, ऊपरी शहर और निचला शहर, और उन्नत नगर योजना। पहली बार 1954 में खोजा गया लोथल की खुदाई 1955 और 1960 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के SR राव ने की थी। उल्लेखनीय रूप से लोथल दुनिया के सबसे पुराने डॉक में से एक माना जाता है। यहाँ कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो ये बताते हैं कि एक समय ये एक बहुत महत्वपूर्ण और समृद्ध बंदरगाह हुआ करता था और वैश्विक व्यापार नेटवर्क का एक हिस्सा था। आज के समय में ये भोगम नदी साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मौजूद ये बेसिन और अन्य कई चीजों को समझकर ये माना जाता है कि यहाँ जहाज बनाए जाते थे और उनकी मरम्मत भी की जाती थी। साथ ही ये जो बड़ा ईंटों का टैंक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पानी जमा करने के लिए काम आता था। ये ईंटों की संरचना पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़े ईंटों के ढांचों में से एक है। इतनी सदियों बाद भी इन ईंटों की सूक्ष्मता देखने लायक है। पुरातत्वविदों ने पत्थर में लंगर या एंकर, समुद्री गोले और मोहरों के अवशेषों की भी पहचान की है। एक गोदाम के रूप में पहचाने जाने वाले एक संरचना भी यहाँ मिली है। इसके अलावा यहाँ अन्न भंडार, कार्यशालाएं, कुएं और एक गढ़ क्षेत्र या सिटाडल के अवशेष भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि लोथल में मिस्र, बहरीन और सुमेर तक फैले एक नेटवर्क में अपने मोतियों, रत्नों, हाथी दांत और गोले का निर्यात किया था। भारतीय पुरातत्व में पुरातत्विक कलाकृतियों के सबसे बड़े संग्रह में से एक लोथल से आता है, और अधिक आकर्षक अवशेषों में से उनके उपकरण, धातु के उपकरण, वजन, माप, मुहर, मिट्टी के बर्तन और गहने हैं। आज इस जगह को देखकर आप सिर्फ ये कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से यह हड़प्पा सभ्यता के लोगों से भरा एक सफल शहर और व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। अगर आप गुजरात जाएं, तो हमारी सभ्यता के इतिहास की एक झलक पाने के लिए लोथल जरूर जाएं।